तो ये तो हमने इन्फॉर्मेशन जो एक मदरबोर्ड से ली थी उससे हमें ये मालूम पड़ रहा है, लेकिन अगर हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कहाँ पे डेटा है, कहाँ पे क्लॉक है, तो उसको आप मल्टीमीटर से भी जान सकते हैं। तो उसकी जो रीत है वो कुछ इस तरह से कि आपको मल्टीमीटर को सबसे पहले 20 वोल्ट डीसी की रेंज के अंदर रखना है। आपका ब्लैक प्रॉप और रेड प्रॉप आपका प्रॉपरली लगा होना चाहिए कॉमन और वोल्टेज के लेवल पे, रेड और ब्लैक के हिसाब से। पार्ट वन में हमने जो देखा था डीसी सप्लाई चेक करने की विधि, उस अनुसार इस प्रॉप के ऊपर अगर हमें पॉजिटिव वोल्टेज दिखे तो वो हमारी पॉजिटिव की लाइन है। तो अभी हमें बैटरी से डायरेक्ट हमें देखना है कि कहाँ पे लोकेटेड है पॉजिटिव वोल्टेज, डेटा और क्लॉक और टेम्परेचर की लाइन है। तो हमने ये देखा है कि ऑपोजिट साइड पे, एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल होते हैं, वोल्टेज होते हैं। तो मैं एक सप्लाई यहाँ पे, एक सप्लाई यहाँ पे चेक करता हूँ, मुझे यहाँ पे 11.121 वोल्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये पॉजिटिव प्रॉब जहाँ पे कनेक्टेड है वो है मेरी पॉजिटिव लाइन। अगर ये प्रॉब मेरा इस तरह से मैं लगा के देखता हूँ तो मुझे वोल्टेज वही दिखाई देंगे, लेकिन जो हमने पार्ट वन में देखा था उस अनुसार यहाँ पे माइनस में वो बता रहा है। तो डीसी सप्लाई जब माइनस में बताता है तो उसका मतलब कि आपने आपको प्रॉब को करना है रिवर्स। तो इस तरीके से मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, ये पॉजिटिव वोल्टेज मुझे बता रहा है यानी कि ये लाइन है मेरी पॉजिटिव की। और इसके अंदर अभी मैं दूसरा भी एक चेक लेता हूँ, यहाँ पे भी 11 वोल्ट है, यहाँ पे भी 11 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव की लाइन है। आगे की तीसरी पिन के ऊपर देखता हूँ, कोई वोल्टेज नहीं, यहाँ पे भी 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 कोई वोल्टेज नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही वोल्टेज की लाइनें हैं पॉजिटिव वोल्ट की। इसी तरीके से ये दोनों ग्राउंड है, मैं या चाहे यहाँ पे रखूँ चाहे यहाँ पे रखूँ मुझे वोल्टेज बता रहा है। तो ये क्रिया हो गई हमारे पॉजिटिव वोल्टेज को जानने की। अभी हम लोग देखते हैं एक और विधि, डेटा क्लॉक और टेम्परेचर की लाइन किस तरह की होगी। तो उसके लिए आपको मल्टीमीटर को रख देना है कंटिन्यूटी की रेंज में। कंटिन्यूटी की रेंज में रख के अभी आपको ध्यान देना है इस तरह से, आपको अभी नेगेटिव मिल गया है, हमारा नेगेटिव यहां पे है, आपको मल्टीमीटर का रेड प्रॉब जो है उसको आपको रख देना है नेगेटिव पिन के ऊपर। और अभी हमें इस पॉजिटिव के ऊपर नहीं उसको लगाना है, क्योंकि हमें ये दोनों पिनें तो मिल गई है। अभी तीन नंबर की पिन के ऊपर देखते हैं, तो यहां पे मुझे 729 ओम्स बता रहा है, वैसा ही हमें इसके ऊपर भी दिखाई दे रहा देगा, तो यहां पे भी दिखाई दे रहा है। तो ये एक डेटा और क्लॉक की लाइन है, लेकिन अभी हमें ये मालूम नहीं है कि कौन सा डेटा है कौन सा क्लॉक है, लेकिन अभी हमें ये मालूम होगा कि ये डेटा और क्लॉक की लाइन है जिसमें हमें दोनों की वैल्यू एक समान दिखाई देगी। तो यहाँ पे इस पिन पे यानी कि तीन नंबर पे रखूं तो भी और चार नंबर पे रखूं तो भी दोनों में एक समान वैल्यू बता रही है। तो हमें यहाँ पे मिल गई डेटा और क्लॉक की लाइन, लेकिन ध्यान ये रखना है आपको रेड प्रॉब नेगेटिव के ऊपर रख के ही ये चेक करना है। अपनी पांच नंबर की पिन से देखते हैं, कोई भी वैल्यू मुझे बता नहीं रही, तो इसका मतलब हुआ ये नॉट कनेक्टेड है। छः नंबर के पॉइंट के ऊपर अभी मुझे बता रहा है 1.9 यानी कि 2 किलो ओम्स के नज़दीक में है। तो ये हुआ हमारा टेम्परेचर की लाइन, इसके जैसी दूसरी लाइन नहीं दिखेगी अभी, ये आ गया कंटिन्यूटी यानी कि ये दोनों नेगेटिव है। तो इस तरह से भी आप मालूम कर सकते हैं कि डेटा और क्लॉक यहाँ पे किस तरह से लोकेटेड है। अभी एक डिवाइस हम यूज करते हैं जो एक्सटर्नल बैटरी चार्जर डिवाइस है, तो उसके लिए हमें इसकी पिनों को लगाना पड़ेगा, जिसके अंदर एक किनारा है हमारा पॉजिटिव, एक है नेगेटिव जो रेड और ब्लैक कलर से है। इसके अंदर एक डेटा है तो एक क्लॉक है। सबसे पहले आप पॉजिटिव किनारे को पॉजिटिव की ओर यहां पे लगा दीजिए, अभी हमने यहाँ पे लगा दिया है कुछ इस तरह से कि पॉजिटिव की और पॉजिटिव लाइन जो यहाँ पे हमारी 1 और 2 नंबर की पिन थी, 3 और 4 नंबर जो डेटा और क्लॉक की लाइन थी, तो एक ऑरेंज वायर और एक ब्राउन वायर। ब्राउन वायर को मैंने लगाया है 3 नंबर की पिन पे, ऑरेंज वायर को 4 नंबर की पिन पे,
बाकी की लाइनों को छोड़ दिया है, थर्मिस्टर की लाइन को भी छोड़ दिया है और ब्लैक वायर यानी कि ग्राउंड, तो इस तरह से अभी हमें कनेक्शन लगा दिया है। अभी मेरे पास में एक इंस्ट्रूमेंट है जो है एक बैटरी टेस्टर, जो एक बैटरी को चार्ज भी कर सकता है, डिस्चार्ज भी कर सकता है। तो यहाँ पे डिस्चार्ज के लिए यहाँ पे लगता है फैन, और ये चार्जिंग के लिए यानी कि बैटरी चार्जिंग के लिए, जब बैटरी चार्ज मोड में होती है तब हमारी डिस्चार्ज यानी कि इसमें लगा फैन, यहाँ से बाहर एक्सटर्नल हम एक फैन लगाते हैं जो इसके साथ में आया हुआ है, तो ये फैन वहाँ पे काम नहीं करेगा, लेकिन जब चार्जिंग नहीं करना है और डिस्चार्ज करना है तब फैन काम करेगा। अभी हम लोग इसके अंदर से चार्जिंग की क्रिया करवाते हैं, तो इसको लगा देते हैं पहले। ये लगा देने के बाद में इसको एक एक्सटर्नल पावर एडाप्टर से पावर देते हैं। अभी यहाँ पे ये इसकी इंफॉर्मेशन बताएगा और ये है हमारा चार्जिंग, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ भी प्रोग्रेस में नहीं बता रहा, तो शायद हो सकता है ये बैटरी ख़राब है, या फिर मैंने जो ये क्लॉक और डेटा के जो कनेक्शन किए हैं उसमें कहीं प्रॉब्लम है, यानी कि जो क्लॉक है उसकी जगह पे मैंने डेटा लगा दिया है और डेटा है उसकी जगह पे मैंने क्लॉक लगा दिया है। इसको मैं इंटरचेंज कर देता हूँ। अभी 3 नंबर की पिन पे ब्राउन वायर है, 4 नंबर की पिन पे ऑरेंज वायर है, मैं ऑरेंज वायर को 3 नंबर पे ले लेता हूँ और ब्राउन वायर को मैं ले लेता हूँ 4 नंबर की पिन से। ये अभी हमने 3 नंबर की पिन पे लगा दिया ऑरेंज वायर, और जो ब्राउन वायर है उसको मैं लगा रहा हूँ 4 नंबर की पिन से। अभी इसको चेक करते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग सबसे पहले देंगे एंटर और चार्जिंग। अभी इसने चार्जिंग की क्रिया शुरू कर दी है, यानी कि यहाँ पे डेटा और क्लॉक दोनों सही उसको मिल गए और ये चार्जिंग की क्रिया इसने स्टार्ट कर दी। यहाँ पे 12 वोल्ट की चार्जिंग की क्रिया इस टेस्टर से हो रही है। यहाँ पे उसकी कैपेसिटी बता रही है एम्पियर में, मिली एम्पियर में, और ये है उसकी 72% बैटरी का स्टेटस, ये है कितने ड्यूटी साइकिल से वो चार्ज कर रहा है। तो इस तरह से एक बैटरी टेस्टर से आप मालूम कर सकते हैं कि बैटरी वर्किंग में है या नहीं है। अभी हम दूसरी भी एक बैटरी को देख लेते हैं जो है एक डेल की बैटरी, जिसके अंदर कनेक्शन इस तरह से ही होंगे कि डेटा क्लॉक पॉजिटिव सप्लाई और नेगेटिव सप्लाई, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ है और वो है एक लॉजिक हाई सिग्नल को लॉजिक लो बनाने वाला सिग्नल, जो एक डेल के बैटरी के अंदर इंटरनली इस तरह से कनेक्टेड है कि अगर हम उस पिन को हम लॉजिक लो नहीं करेंगे तो वो बैटरी को चार्ज की क्रिया नहीं करवाएगा। तो उसको देखते हैं किस तरह से वो काम करता है।